चिट्ठी गांव है रेवाड़ी जिले में, वहां पर 200 एकड़ जमीन गांव के लोगों ने फ्री में दी थी और मुख्यमंत्री जी वहां घोषणा करके आए थे कि हम एम बनवाएंगे। हमारे यहाँ रेवाड़ी, मेवात और गुड़गांव में अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो या तो मेडिसिटी में जाता है या आर्टिमिस में जाता है या फिर जयपुर जाता है। आदमी जो है इतनी दिक्कत में है, हमारे जो दिल्ली में एम्स है वहाँ जगह मिलती नहीं हमें। और मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी 2014 के अंदर, आज 2018 हो गया है, तो हमारे जितने भी साथी हैं ये तंग आकर और जब मजबूर होकर आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। तो हमारी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री से एक ही विनती है कि अभी मात्र 8 महीने बचे हैं, हमें केवल वो लेटर ला के दिखा दें एम्स का कि एम्स यहाँ बनेगा, बाकी बनाने का काम हम आगे कर लेंगे लेकिन मंजूरी हमें ला के दें। मुख्यमंत्री कहता है ये काम सांसद का है, राव इंद्रजीत का है, राव इंद्रजीत कहता है ये काम मुख्यमंत्री का है, तो दोनों पहले फैसला कर लें। हम तो कहते हैं कि दोनों मिलकर फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएं, हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएं और एम्स और मेडिकल कॉलेज जो हमारा हक बनता है उसको प्रदान करें। इसको बात को लेकर जो हमारी मनेठी की संघर्ष समिति है और जो आसपास के गांव के लोग हैं सारे, पूरा जो हमारा अहिरवाल का इलाका है उसके लिए एक ये बहुत बड़ी उम्मीद है और हमें मुझे इस बात के लिए बहुत ही मुझे आश्चर्य है कि 4 साल में फाइल तक नहीं चला इन लोगों ने, तो इस मामले को लागू करें और यहाँ पर एम्स बनाएं ताकि हमारे जो गरीब आदमी है उसको स्वास्थ्य कम पैसों में हो सके। अगर नहीं हुआ ये तो क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए सरकार नहीं सुनती है, चाहे हम लाठी खाएं चाहे हम गोली खाएं, हम इस सरकार के मुकाबला करेंगे, हम किसी प्रकार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर नहीं करेंगे तो 2019 के अंदर वोट की चोट से इनको बता देंगे कि अहिरवाल की ताकत क्या है। और अपना खून भी बहवा देंगे, आज ये सरकार कितनी एमएस नहीं बढ़ा तो अपना खून बहवा देंगे। जो इन्होंने कहा था सबका विकास बराबर विकास सबका साथ, उसमें अमल नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने धोखा दिया, यहाँ के सांसद ने धोखा दिया और यहाँ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक तो झांसी की रानी थी और एक झांसों का राजा है, झांसों का राजा प्रधानमंत्री मोदी, जिसने वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। हमारे यहाँ एम्स नहीं, सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक हमारे यहाँ पर हैं, वन रैंक वन पे नहीं दिया। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उसको प्रदान नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को पूरा करें। लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार आने के बाद दक्षिणी हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई थी और आज 3.5-4 साल हो गए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको देखते हुए इलाके ने ये संघर्ष करना पड़ा। हम धन्यवाद करते हैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह का जिन्होंने ये घोषणा करवाई और अब वो भी कोशिश कर रहे हैं और इलाका जब तक नहीं चुप रहेगा तब तक ये एम्स की हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। आज 81 दिन हो गए इस अनिश्चितकालीन धरने को और 51वां दिन है भूख हड़ताल को, आज तक हमारे पास सरकार से कोई नहीं। हम अपने जहाँ पर घोषणा हुई है वहाँ पर ही हमारा धरना चल रहा है, 2 अक्टूबर से धरना चल रहा है और 1 नवंबर से भूख हड़ताल चल रही है, कार्मिक भूख हड़ताल चल रही है और हम 15 हमारी वहाँ पे समय समय पर महापंचायतें होती रही है और 11 तारीख को हम पैदल मार्च 25 किलोमीटर हजारों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए डीसी महोदय के मार्फत दे चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस सरकार जो जिस मुद्दे पे आई थी सबका साथ सबका विकास उसको देखते हुए हमारी ये बातें सुनेंगी और कमेटी ने इलाके ने ये निर्णय लिया था कि हम भाई आज 21 दिसंबर को जंतर मंतर पे जाके, अब पार्लियामेंट चल रही है पर हमारी सुनवाई हो इसलिए हम आज जंतर मंतर पे आए हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? नहीं, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कमेटी इलाका देखते हैं आगे क्या करता है, सरकार का बहिष्कार करें या कुछ करें वो निर्णय कमेटी या इलाके से पूछ के लेंगे।